अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज हम 7 से 8 साल की बच्ची की शॉर्ट फ्रॉक बनानी सीखेंगे। उसके लिए हमें ये फैब्रिक चाहिए, ये लॉन का फैब्रिक है। तो इसके साथ ये नीचे स्लिप के लिए लॉन की स्लिप चाहिए। फ्रॉक बनाने के लिए हमें सबसे जो मेजरमेंट हमने ली है वो उसकी शॉर्ट लेंथ में 23 इंचज़ हैं और किलो पेटी की विथ है वो 15 इंचज़ हैं। आम होल 5.5 हैं और नीचे जो पेटी उसकी लंबाई है 10 इंचज़। नेक जो बैक की नेक है वो 2.5 है और फ्रंट है 3 इंचज़, जबकि फ्रॉक की जो चौड़ाई है उसकी जो विड्थ है वो 25 इंचज़ है। आइए तो हम इस कपड़े की कटिंग करते हैं। ये हमने 15.5 पर इसकी मार्किंग कर दी, ये इस तरह। ये फ्रॉक के लिए इसकी ले। ये इस तरह 3 इंच गले की और ये 1 इंच जो है वो कंधे की मिली है मार्किंग। उसके बाद ये आर्म होल की और यहाँ से हमने इसकी फिटिंग के हिसाब से 15 इंचज़ पर 7.5 के हिसाब से पेटी की मार्किंग की है। इस मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कटिंग कर लेते हैं, ये इस तरह। इसी तरह इसी मेजरमेंट को लेते हुए इसके नीचे जो स्लिप है सेम ऐसे ही इसकी भी कटाई की जाएगी। ये ऐसे सेम इसी तरह जैसे ऊपर की मार्किंग और कटिंग हुई है इसी तरह हम यहाँ से मार्किंग करके सेम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक के पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। बैक की हम इस तरह जिप लगाने के लिए कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की इस आर्म होल की इस मेजरमेंट के मुताबिक और गले की 1/2 इंच की कटिंग फ्रंट पे ज़्यादा मजीद करेंगे, ये इस तरह जी। अब हम सबसे पहले यहाँ पे गुम जिप किस तरह लगाते हैं, गुम जिप लगाने का टीका सीखेंगे जी। फ्रेंड्स, को इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जी। तो शुरू करते हैं। ये जो नीचे वाली स्लिप है इसको अलग कर लेंगे इस तरह। ये हमारे पास जिप है और इसका हम ये वाला जो है ये इस तरह इसको उल्टा रखेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और जिप को इस तरह उल्टा रख के यहाँ पर हम स्लाइड करेंगे। अब ये ऊपर वाली स्लिप सेम इसके ऊपर रख के यहाँ पर साथ साथ हम यहाँ से ये साथ साथ हम यहाँ से स्लाइड करेंगे। इसको अच्छा हम सीधा करेंगे, ये देखिए इस तरह हमारे पास गुम जिप लगा दोनों साइड से। ये दूसरी तरफ का कपड़ा इसके ऊपर रखकर यहाँ से सीधे हम स्लाइड करेंगे। इसी तरह इसका ये दूसरा बैक का साइज के ऊपर रखकर स्लाइड करेंगे, ये इस तरह, ये ऐसे यहाँ से स्लाइड। और ये अब हमारी गुम जिप लगा के तैयार हो चुकी है। यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ऊपर से गले की भी अजाफी जिप की कटिंग करके यहाँ से गुम स्लाइड लगाएंगे इस तरह। एक आपके साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। गला गला यहाँ से इसकी स्लाइड लगा के उसके बाद यहाँ से इसके कंधे की गुम स्लाइड लगाएंगे, ये इस तरह। अब ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर रखकर ये फ्रंट का पार्ट फ्रंट के साथ और बैक का पार्ट बैक के साथ यहाँ से हम स्टिच करेंगे, ये यही सर। फ्रंट का पार्ट फ्रंट के साथ है और बैक पार्ट बैक के साथ, इस तरह हम गुम उसकी स्टिचिंग करेंगे। ये इसी तरह अब हम ये कंधे की यहाँ से गुम सिलाई करेंगे डिज़ाइनिंग लगाने के लिए, चूँकि कंधे के मुताबिक उस तरह उसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह ये सारी कटिंग कटवर्क पे स्लाइड करेंगे इस तरह। आप ये बाजू के साथ ये वाला जो डिज़ाइन है ये बाजू के साथ इस तरह अटैच करेंगे, ये इस तरह, ये जैसे ये इस तरह ये बन जाएगा बाजू के आगे डिज़ाइन जी। ये इस तरह बाजू के आगे मैंने कटा बना के लगा दिया जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। ये इसकी बैक साइड है और ये देखिए कितनी नीट और गुम सिलाई उसकी लगाई है, ये सर। अब यहाँ पे हम इसकी फ्रॉक अटैच करेंगे और उसके लिए अभी हम यहाँ पे 3 निशान लगाएंगे जहाँ पे हमने बड़े बड़े प्लेट्स डालने हैं। ये इस तरह हम 3-3 इंचज़ के प्लेट्स बना के
उनको अटैच कर लेंगे ये फ्रंट से इस तरह आएंगे, ये इस तरह ये इस तरह, ये अंदर से भी हमने गुम सिलाई कर ली है, ये नीचे वाली फ्रॉक की, ये अलग नीचे स्लिप के तौर पे, ये इसके फ्रंट है, इसको हम यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा लें। ये हमारी अब फ्रॉक बिल्कुल यहाँ से पेटी ऑफ रेडी है। यहाँ पर नीचे इस तरह की खिटा बना के लगाऊंगे, ये आपको आपके नीचे लगाने के लिए खिटा बना रही हूँ। ये पट्टी मैंने ली है और इसके ऊपर बना के